Roman Reigns versus Daniel Bryan, it should be interesting. Okay, so well, hey guys, welcome to the my channel. And now, so इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जे उसो के हिल टर्न के बारे में एंड रोमन रेंस वर्सेस डेनियल ब्रायन के मैच की पॉसिबिलिटी के बारे में. सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को. वेल, यहां पे जे उसो का जो हिल टर्न हुआ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ है एंड रोमन रेंस ने जैसा कहा वैसा जे उसो ने किया और इससे वो हील बन गए. एंड नाउ कि उन्होंने डेनियल ब्रायन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया और मतलब जे उसो ने तो मतलब एकदम तबाही मचा दी पूरे स्मैकडाउन में एंड मतलब डिस्ट्रॉय ही करते रह गए. और डेनियल ब्रायन को मतलब हमें फुटेज बाद में भी देखने को मिली स्मैकडाउन की जिसमें वो स्ट्रेचर पर ले जा रहे थे डेनियल ब्रायन को, मतलब उसके बाद तो फिर से अटैक कर दिया जो कि जे उसो ने आके एंड बहुत ही अजीबोगरीब अच्छी खासी स्टोरीलाइन बन गई है यहाँ पे. एंड नाउ यहाँ पे रोमन रेंस एंड जे उसो एक साथ हो चुके हैं एंड अब इस हिसाब से तो यहाँ पे समोअन फैक्शन बन सकता है एंड जो कि रोमन रेंस एंड जे उसो साथ में है. एंड इसके बाद मे बी मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीलाइन यहाँ पे तैयार हो सकती है और बहुत ही अच्छी स्टोरीलाइन तैयार हो भी चुकी है जो कि इंटरेस्टिंग आगे चल के जा सकती है. एंड डेनियल ब्रायन को यहाँ पे अब रिटर्न करके मे बी एक दो हफ्ते बाद वो रिटर्न करें और रिटर्न करके मे बी या फिर सर्वाइवर सीरीज के बाद वो रिटर्न करें सर्वाइवर सीरीज खत्म होने के बाद, क्योंकि वैसे भी डेनियल ब्रायन का कोई बुकिंग नहीं था तो वेल वो सर्वाइवर सीरीज के बाद ही रिटर्न करें हो सके तो ऐसा. तो यहाँ पे जो कि डेनियल ब्रायन आके वापस बदला लें एंड वो बदला ले सकते हैं जे उसो से या फिर रोमन रेंस से, क्योंकि जो भी कुछ हुआ है वो रोमन रेंस के कहने पर हुआ है और जे उसो ने उनके कहने पर अटैक किया है. तो यहाँ पे मतलब इंटरेस्टिंग सीधा सीधा स्टोरी लाइन बन सकता है रोमन रेंस वर्सेस डेनियल ब्रायन का, हमें एक और क्लासिक मैच देखने को मिल जाएगा. वेल 2015 की बात अलग थी और यहाँ पे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हमें देखने को मिलेगा जो कि रोमन रेंस और डेनियल ब्रायन का, और रोमन रेंस यहाँ पे हील और डेनियल ब्रायन फेस. वेल जैसी पॉसिबिलिटी हमें 2015 में चाहिए थी वैसी पॉसिबिलिटी अब हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पे जे उसो भी हील बन चुके हैं यार. एंड जे उसो को मतलब एकदम से पब्लिक पसंद करने लगी थी, मतलब अच्छे खासे पसंद करती थी और यहाँ पे अचानक से उन्हीं का हील टर्न कर लेना मतलब अजीब बहुत अच्छा तरीका मतलब स्टोरी लाइन है यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई का बहकाने का और बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है यार. या डेनियल ब्रायन और मतलब इन दोनों के बीच राइवलरी में भी स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ की नींव रखा चुकी है तो मे भी हो सकता है इनका हमें मैच टीएलसी का पेपर व्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं, बट हो सकता है इनका रॉयल रंबल में मैच हमें देखने को मिल जाए या फिर टीएलसी में ही. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग वो देखना एंड मे बी मैं इस मैच के लिए तो यार बहुत ही एक्साइटेड हूँ. एंड यार वापस से रोमन रेंस और डेनियल ब्रायन की राइवलरी देखने को मिलेगी जो कि लॉन्ग टाइम से हम लोग चाहते थे कि इन दोनों की राइवलरी हमें देखने को मिले, ये दोनों आमने सामने देखने को मिले एंड नाउ वो डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ये मैच होगा. तो मे बी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग होगी एंड जे उसो मे बी अब साथ में हो सकता है पॉल हेमन एंड जे उसो एंड रोमन रेंस साथ में तीनों बंदे हो जाए एंड फैक्शन बहुत ही अच्छी खासी बन जाएगी यहाँ पे क्योंकि उस फैक्शन को मैनेज करने वाले पॉल हेमन होंगे एंड जहाँ पे पॉल हेमन वेल मतलब वो उनका ग्रेट माइक वर्क जो कि सबको पसंद आता है. तो यहाँ पे मतलब इस स्टोरी लाइन में तो बेस्ट थिंग है और स्मैकडाउन यहाँ पे बेस्ट थिंग कर रही है और ओवरटेक कर रही है हर बार रॉ को और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग है यहाँ से जो कि स्मैकडाउन की तरफ से निकल के आ रही है. और एक तो बडी मर्फी का स्टोरी लाइन और यहाँ पे ये रोमन रेंस एंड जे उसो मतलब पूरी स्मैकडाउन को संभाल के रखे और पूरा स्मैकडाउन मतलब अच्छा खासा कर दिया यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एंड बेस्ट थिंग्स हमें देखने को मिल रहे हैं स्मैकडाउन में. तो मे बी यहाँ पे अब यार बहुत ही मतलब पसंद आने लगा है अच्छा खासा स्मैकडाउन. तो वेल ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक डिसलाइक से सब्सक्राइब जो करना कर सकते हैं एंड सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय गाइस.